नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इंडिया टू डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ डिफेंस डिस्कशन का एपिसोड 24। और इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया को किस तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और स्पेशली बात करेंगे अभी एयरो इंडिया के दौरान DRDO द्वारा प्रपोज्ड AMCA के इंजन के बारे में, जो कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन होने जा रहा है। और ये इंजन किस तरह का होगा या किस तरह का होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तो इस डिस्कशन की तरफ बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आने वाले दशक में ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो कि ज़्यादा प्रचलन में होगी। और अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास होती है तो इंडिया के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या फिर वो सारे इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो उन सबको एक मेजर बूस्ट मिलेगा अगर इंडिया आने वाले 5 से 7 सालों में ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती हैं जो अभी हम मेंशन करने जा रहे हैं। तो इंडिया को ज़रूरत है एक फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने की जो कि कैपेबल हो मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में। और साथ ही साथ एक ऐसा प्लांट सेटअप करने की ज़रूरत है जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके। बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की। तो अगले 5 से 7 सालों में इंडिया को आवश्यकता है कि वो एक कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्टैब्लिश करे अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कि 14 नैनोमीटर नोड टेक्नोलॉजी यूज कर सके अपने ट्रांजिस्टर्स में और अपने मिसाइल्स में। और तीसरी जो सबसे मेजर टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया को डेवलप ही करनी चाहिए, कोई भी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट डेवलप करने वाला इंजन जो कि लो बाईपास होना चाहिए और जिसके लिए आप सब जानते ही हैं DRDO ने पहले ही RFI रिलीज कर रखा है। तो ये तीन अभी मुख्य ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया के पास अगले 5 से 7 सालों में होनी चाहिए। वैसे तो कुछ और भी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया चाहेगा अगले 7 से 8 सालों में अपने पास रखना, जैसे कि फोटोन बेस्ड क्वांटम रडार। तो ऐसे कुछ और टेक्नोलॉजी हैं जो इंडिया चाहेगा अपने पास रखना, लेकिन अभी जो अर्जेंट नीड में है अगले 5 से 7 सालों में वो यही तीन टेक्नोलॉजी हैं। तो आइए जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसी हैं और क्या क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 नैनोमीटर नोड टेक्नोलॉजी की, जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में यूज होती है टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी 2014 में आई थी वजूद में, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी मार्केट पर छाने वाली है। तो जो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस 14 mm नोड टेक्नोलॉजी का यूज करती है, तो वो कैपेबल होती है एक ऐसा चिप बनाने में, एक ऐसा प्रोसेसर बनाने में जिसका साइज छोटा होगा, जो कम हीट जनरेट करेगा और उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी चिप्स या ट्रांजिस्टर्स बनेंगे वो साइज में छोटे होंगे और ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, और उनकी जो प्रिसीजन वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और वो फास्ट काम करेंगे। तो अभी फिलहाल एक लेमेंस लैंग्वेज में इतना ही बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर डिटेल में जाके इसके इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि समझ में नहीं आया, तो उस चीज़ को अभी अवॉइड करते हैं। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में इतना ही समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी ट्रांजिस्टर या फिर सेमीकंडक्टर बन रहा है वो प्रिसाइज़ली वर्क करेंगे, फास्टर होंगे, कम हीट जनरेट करेंगे और स्मार्टर होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मुझे लास्ट अपडेट मिला था 2017 में, तो उस टाइम इंडिया 28 नैनोमीटर नोड की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी अपने मिसाइल और अदर इक्विपमेंट के ट्रांजिस्टर्स में। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्रूशियल टेक्नोलॉजी की, और वो है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश करना है इंडिया में, और एक मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश करना है इंडिया में। जैसे कि हमने वहाँ पर आपको बताया कि 14 नैनोमीटर नोड यूनिट हेल्प करता है चिप्स और ट्रांजिस्टर को फास्टर बनाने में, वैसे ही यहाँ पे ये मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड बेस्ड प्रोडक्ट थर्मल सिग्नेचर को डिफरेंशिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये प्रोडक्ट बनाए गए होते हैं कैडमियम टेलुराइड और मर्क्यूरी टेलुराइड बेस्ड अलॉय के थ्रू, और ये हर तरह के इंफ्रारेड वेव को यूज़ करने में सक्षम होते हैं, छोटे से छोटे इंफ्रारेड वेव हो या फिर बड़े से बड़े इंफ्रारेड वेव हो, तो ये हर वेवलेंथ को यूज़ करने में कैपेबल होते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है थर्मल सिग्नेचर को लेके, सो ये माइन्यूट से भी थर्मल सिग्नेचर को बहुत दूर से पकड़ने में सक्षम बना देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। सो मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड बेस्ड प्रोडक्ट में कैडमियम की जो मात्रा होती है वो डिसाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी। अगर आप कैडमियम की मात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हो तो वो उस प्रोडक्ट की किसी भी वेवलेंथ को यूज़ करने की कैपेबिलिटी डिसाइड करता है। तो इसमें भी हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, और आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इतना बता देना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट का यूज़ करके, जैसे कि आपने देखा होगा जो इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च सिस्टम होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के, उनको काफ़ी सेंसिटिव बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो जो इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च सिस्टम होंगे उनको फाइटर जेट की बॉडी के अंदर भी लगाया जा सकता है, जैसे कि F-22 में लगाया गया है, और जिससे कि दुश्मन के रडार पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, और एट द सेम टाइम आपका जो IRST सिस्टम है वो ज़्यादा सेंसिटिव भी रहेगा। तो IRST टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया एक नए रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ पाएगा अगर ऐसा कोई प्लांट स्टैब्लिश करता है तो। और दूसरी तरफ इसका एडवांटेज है कि जितने भी नए डिवीजन डिवाइसेस होते हैं उसमें एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो लोवेस्ट थर्मोग्राफिकल सिग्नेचर को पकड़ने की वो काफ़ी यूजफुल होगी, और इसको बहुत तरह से यूज किया जा सकता है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग में, स्मार्ट बॉम्ब्स में। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं जिसमें मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड बेस्ड
प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं गैलियम नाइट्राइड बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश करने के बारे में। तो ऐसे बहुत कम ही देश है पूरी दुनिया में जो कि अभी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप्स हैं ये रिप्लेस करेंगे इंडिया के जो करंट चिप्स हैं जो कि सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल से बन रहे हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। सो इंडिया को किसी भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जितना कि पिछली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने से कहीं ना कहीं हिचकिचा रही थी, और ये बात तकरीबन एक दशक से चल रही है और ये टाल दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या स्पेशल है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल में? तो ये किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए सिर्फ 400 वोल्ट में काम करने में सक्षम होते हैं। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड प्रोडक्ट फास्टर होंगे सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट से, और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है इंडिया के रेडार्स में, और जिसकी वजह से रेडार का साइज और सेंसिटिविटी रेंज ये सारी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। सो ऑल इन ऑल इसके मेन एडवांटेज हो गए कि ये आपके रेडार या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको साइज में छोटा बना देगा, कम पावर यूज करेगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन बनाएगा किसी भी फाइटर जेट पे ऐसे प्रोडक्ट को यूज करने में जहाँ पे ऑलरेडी पावर कम होती है। आपके प्रोडक्ट को फास्टर बना देगा, आपके प्रोडक्ट को प्रिसाइज बना देगा, और आपके प्रोडक्ट की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देगा, प्रोडक्ट की स्मार्टनेस बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट को इंडिया में एस्टैब्लिश करने से इंडिया पा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की, जिसके लिए एयर इंडिया शो के दौरान ही DRDO ने RFI रिलीज किया था कि वो किसी भी फॉरेन या फिर इंडियन पार्टनर के साथ मिलके ये कोई 110 किलो न्यूटन वाला इंजन डेवलप करना चाहते हैं। तो अभी इस इंजन को लेके हम ये बात करने वाले हैं कि इस इंजन में क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये इंजन आप सबको पता है कि 2026-27 के बाद ही डेवलप होने वाला है। तो उस टाइमलाइन में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एक इंजन में, उसे एड्रेस करने जा रहे हैं हम। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इस इंजन में होने ही चाहिए, जैसे कि लो बाईपास सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, अगर लो बाईपास सिस्टम आपका होता है तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी जो नोजल की थर्मल सिग्नेचर्स हैं उनको रिड्यूस करने में। लो बाईपास में क्या होता है, कंप्रेसर से कुछ एयर को बाईपास करके डायरेक्टली नोजल की तरफ भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो नोजल का जो ओवरऑल थर्मल सिग्नेचर है उसको रिड्यूस कर पाता है। इसमें हाई थ्रस्ट मोड होना ही चाहिए, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। और हाई थ्रस्ट मोड ये होता है कि मान लो अगर आप किसी भी कॉम्बैट में इंगेज हो गए तो वहाँ पे आपको थ्रस्ट मैक्सिमम चाहिए होता है, तो उस थ्रस्ट को अचीव करने के लिए आपका इंजन क्या करेगा, लो बाईपास को बंद करके और जितनी भी एयर इंटेक आ रही होगी उन सबको डायरेक्ट करेगा फैन के ऊपर, जिसकी वजह से थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएगा। और तीसरा फंक्शन जो है वो सुपर क्रूज का है, बिना किसी आफ्टर बर्नर के, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सुपर क्रूज कर पाओगे तो आपकी फाइटर जेट की रेंज बढ़ जाएगी, आप कम फ्यूल यूज करोगे और आप फ्लाइंग कॉस्ट को भी मैनेज कर पाओगे। और इसमें कम से कम भी 50% इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए इसके लोइटर टाइम में, मतलब फाइटर जेट को एक मिशन में रखने की पॉसिबिलिटी एक लंबे टाइम के लिए बिना किसी रिस्क के, तो ये क्षमता भी आपके इंजन में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंजन के मटेरियल की। तो इंजन का मटेरियल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो 40-50% हीट को एब्जॉर्ब कर पाए, जिससे कि आपके थर्मल सिग्नेचर रिड्यूस हो जाएंगे। और फ्यूल कंजम्पशन और रेंज की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपका इंजन सुपर क्रूज कर पाएगा बिना किसी आफ्टरबर्नर के तो ये दोनों चीज़ आप अचीव कर पाओगे, तो ये दोनों चीज़ें भी समय की मांग है। तो ऑल इन ऑल ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले इंजन्स में होनी ही चाहिए, और जो कि हेल्प करेगा जो लेटर फेज के AMCA फाइटर्स होंगे उनको एक बेटर क्रूजर बनाने में, क्योंकि आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जो इनिशियल फेज के AMCA होंगे उनमें GE का 414 ही लगने जा रहा है। तो ये था एक छोटा सा वे अहेड एनालिसिस इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है Give us a like. Don't forget to subscribe. Jai Hind.